दोस्तों नमस्कार, मैं यार शर्मन, आपका वेलनेस कोच और लाइफ कोच। जिस प्रोडक्ट के बारे में आज पूरे इंडिया में धूम मची हुई है, उस प्रोडक्ट के बारे में आज हमारे साथ अपने अनुभव को साझा करेंगे अरुण श्रीवास्तव जी, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को अपने पिताजी को दिया। और क्या कंडीशन थी, कैसे थी, क्या हुआ और उसके देने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट आए, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी हैं श्री अरुण श्रीवास्तव जी गोरखपुर से। तो पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हीमोहिम वर्ल्ड का नंबर वन फंक्शनल फूड सप्लीमेंट है। क्यों इसको फंक्शनल फूड सप्लीमेंट कहते हैं? क्योंकि 8 साल की अथक मेहनत के बाद इस प्रोडक्ट को सैकड़ों प्लांट्स को स्टडी करने के बाद 3 प्लांट्स के द्वारा बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के द्वारा इसको बनाया गया है। और बनाया इसलिए गया है क्योंकि हमारे आज के दौर में हमारे शरीर पर बहुत सारी ऐसे दुष्प्रभाव हैं, जल थल नभ, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि खाने की चीजों से, पीने की चीजों से और वातावरण में। इस अगर आप देखें तो आज एक शब्द बहुत चलता है, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आज आपके सनलाइट में आप बाहर निकलते हैं, धूल तो है ही, साथ में बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया है। लेकिन एक चीज और ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है और वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे शरीर पे बहुत नुकसान कर रहा है। और ये प्रोडक्ट खास तौर से जो इसको बनाया गया था उसके पीछे जो थॉट था, रेडिएशन से होने वाले दुष्प्रभाव जो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। हीमोहिम आज वर्ल्ड का नंबर वन फंक्शनल फूड सप्लीमेंट है, जैसा मैंने आपको बोला। और क्यों है इसके बारे में आज आप टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि ये प्रोडक्ट कितना जबरदस्त है। ये 3 तरीके से काम करता है जो रिसर्च पेपर या स्टडी की गई है। पहला, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, मॉड्यूलेट करता है। जब जरूरत ज्यादा की होती तब ज्यादा करता है, जब कम की जरूरत होती आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। तो मॉड्यूलेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, कई ऐसे केसेस हैं जैसे जिनको लाइफस्टाइल डिजीज है या जिनको क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स है, जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, उनमें से बहुत सारे नाम आपको भी पता है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है, सोरियासिस है, डायबिटीज है, कैंसर, सबसे बड़ी चीज कैंसर। आज की तारीख में कैंसर चारों तरफ फैलता जा रहा है और बहुत ज्यादा लोगों को चपेट में ले रहा है। तो उस पर भी इसका बड़ा अच्छा प्रभाव और रिसर्च पेपर आप नेट पे भी देख सकते हैं। और ये काम करता है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को ठीक करता है, मॉड्यूलेट करता है, आपकी ब्लड फॉर्मेशन जिसको हेमेटोपोएसिस कहते हैं उसको ठीक करता है। और तीसरा, कैंसर के रोगियों में या ऐसे रोगियों में जिनके अंदर ट्यूमर बन जाता है, वेदर इट इज कैंसर और नॉन कैंसर ट्यूमर, वहां पे भी ये काम करता है। वैसे ज्यादातर इसके जो स्टडी हुए हैं वो कैंसरस ट्यूमर्स पे हुए हैं। एनके सेल एक्टिवेशन, नेचुरल किलर सेल, आपकी बॉडी की वो डिफेंस मैकेनिज्म जो सबसे लास्ट में सामने आती है, तो जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो वो इम्यूनिटी जो आपके शरीर में एक तरीके की मिलिट्री होती है वो आपके आती है, तो उसको काम करता है। ये तीनों इसके मोड ऑफ एक्शन आज की तारीख में टेस्टेड है, डॉक्यूमेंटेड है और वैलिडेटेड है। तो मैं इन्वाइट करता हूँ श्री अरुण श्रीवास्तव जी को, जो अपने अनुभव जो उन्होंने हीमोहिम को अपने फादर को दिया उस पर उनका क्या रहा उसको शेयर करते हैं और देखते हैं कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स इस प्रोडक्ट का रहा। थैंक यू वेरी मच। तो वेलकम है आपका जी। वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। एग्जैक्टली मेरे फादर को थोड़ा सा डायबिटिक का प्रॉब्लम तो है और काफी दिनों से है। इनफैक्ट इनको यूरिनल प्रॉब्लम भी काफी दिनों से है, 2-2.5 साल से। तो फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट बीच बीच में प्रॉब्लम होते थे और डॉक्टर से कंसल्टेशन या फिर कभी कभी एडमिट भी कराना पड़ा था। मैं लास्ट वीक में इनको एडमिट कराना पड़ा था, उस समय हीमोग्लोबिन कम हो गया था, करीब 7% के आसपास था। तो गोरखपुर में हम लोगों ने एडमिट कराया और एडमिट कराने के बाद वहाँ 2-3 मिनट इनको ब्लड भी चलाने की जरूरत पड़ा था। तो मैक्सिमम जो हीमोग्लोबिन इंक्रीज हुआ था अप टू 10% ही हुआ था। उसके बाद बॉडी में पेन, बाकी सब सारी चीजें थी। तो 31 को मैंने रिकमेंड किया कि आपके लिए, मतलब ये न्यूट्रिएंट जो है अपना न्यूट्रासिटिकल जो हम लोग का हीमोहिम, इसको मैं बाय करता हूँ।
तो 31st को ऑर्डर दे करके, और ये बाई 4th आफ्टरनून मुझे मिल गया था। मतलब काफ़ी मैं वेट कर रहा था, मेरे ब्रदर भी हैं, उन्होंने ही ऑर्डर किया था, तो भी काफ़ी अप्रोच किए कुरियर पर्सन को कि आप जल्दी जल्दी डिलीवर करो। तो 4th इवनिंग से मैं इनको फर्स्ट डोज देना चालू किया था। सेकेंड डे रिजल्ट ये आया कि इनको नींद काफ़ी आने लगी, और नींद आने से इनको मेंटल रिलैक्स काफ़ी मिला। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी एज प्रेस्क्राइब जो प्रोसीजर है उसको कैसे हम लेते हैं यूज़ करने का, तो फिर काफ़ी नींद आने लगी। और नींद आने से फ़ायदा ये हुआ कि मेंटल रिलीफ काफ़ी मिला, और बॉडी में जो पेन वगैरह है थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। और सेकेंड डे इवनिंग से इनको ऐसा फील हुआ कि मुझे भूख काफ़ी लग रही है, और थर्ड डे से भी भूख काफ़ी लगी थी। नींद तो आ रही थी पर इसके साथ साथ में भूख भी काफ़ी लगने लगी। और 5th 5 डे में इनको लगा कि मतलब थोड़ा सा मेरे अंदर काफ़ी एनर्जी मिल रही है, ताकत मिल रही है, बाहर टहलने में भी लगा कि मतलब शरीर में काफ़ी फुर्ती आ रही है, तो थोड़ा बाहर भी टहलना चालू कर दिए थे। इसको मैं कंटिन्यू 15 डेज दोनों वक्त मतलब 2 टाइम्स मैंने यूज़ करने के लिए प्रेस्क्राइब किया, और 15 डेज कंटिन्यू इन्होंने दोनों टाइम यूज़ किए। और इनफैक्ट 15 डेज के बाद से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर भी चलने में कोई दिक्कत नहीं था, इवन 2 किलोमीटर तक भी पैदल चले और कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुआ, जबकि उसके पहले काफ़ी दिक्कत होता, आधा किलोमीटर भी चलने में जैसे लगता था बिल्कुल टायर्डनेस हो गया, बॉडी में बिल्कुल ताकत नहीं है। और टिल टुडे हमको लगता है कि करीब करीब 25 डेज कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो अब है कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अप टू 2 किलोमीटर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, शरीर भी काफ़ी हल्का है, और दूसरा जो बॉडी में मसल्स में जो पेन्स थे वो काफ़ी उसमें रिलीफ मिला है। जो यूरिनल इम्बैलेंस था, मतलब रात वगैरह में काफ़ी जाना पड़ता था बाथरूम 7 बार 8 बार ऐसा, तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है अभी वो भी। और जो फेस वगैरह है वो भी काफ़ी उस पर शाइनिंग आ गई है कंपेयर टू पहले जैसा भी था। तो ये खुद बोल रहे हैं कि नहीं मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, जैसे लग रहा है कि शरीर में काफ़ी ताकत आ रही है, और मैं प्रैक्टिकली भी देख रहा हूँ। इवन मैं अभी आज के डेट में बैठा हूँ साथ में, और जब ये डोज ले रहे थे तो उस समय मैं नहीं था, मैं सिक्किम में था, तो अभी 4 डेज पहले कुछ ओकेशन पे आया था मैं, तो मैं 4 डेज से वॉच कर रहा हूँ 5 डेज से इनको, तो आई पर्सनली फील कि हाँ उसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा रहा है। और ये पर्सनली भी शेयर कर रहे हैं कि नहीं मुझे काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ है, और इनफेक्ट मैं स्टर्डे सेकेंड जो ऑर्डर है उसको भी मैंने प्लेस कर दिया है, जबकि मेरे पास अभी 10 डेज का भी डोज है इनके पास, फिर भी मैंने कल ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मैं सोचा कि समय रहते आ जाएगा तो ठीक है, कोई इसमें गैप नहीं होगा। बहुत तो फिलहाल तो बढ़िया, सर मेरा जी सर बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा दो तीन चीजें और जानने की आपसे कोशिश करूंगा। एक तो ये है जी सर कि रिजल्ट्स 5 दिन के अंदर आने लगे, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी चीज है। ऐसा केस, अच्छा उम्र कितनी है आपके पिताजी की? 73 ईयर्स है सर। 73 ईयर्स में डायबिटीज, मतलब शुगर का लेवल क्या रहता था हीमोहीम लेने डायबिटीज भी है, पहले? और इसके अलावा उनको यूरिनल प्रॉब्लम भी था, आवाज तो थोड़ी यूरिनल कम भी आ रही अभी है अरुण जी। जी हीमोहिम लेने से शायद पहले, से जी हीमोहिम लेने से पहले कितना ब्लड शुगर रहता था इनको? ब्लड शुगर तो काफ़ी था, 400 तक था, 400+ ही था 100? ओके ओके जी। तो अभी जब मेरे ख्याल से ये चेकअप हुआ है 15 दिन पहले, तो 15 दिन पहले 254 था, अच्छा ओके और परसों एक टेस्ट हुआ है तो उसमें फास्टिंग और पीपी तो नहीं हुआ, क्रिटिनिन टेस्ट हुआ है। क्रिटिनिन का ये हालत था कि 2 से कम नहीं हो रहा था जब ये एडमिट थे मई लास्ट वीक में, अरे वाह, अब कितना है? और अभी 1.77 है अभी ओके ओके तो जो कम नहीं हो पा रहा था कई दवाइयां चलाने के बावजूद भी। जी। हाँ डॉक्टर यही बोल रहे थे कि इनका क्रिएटिनिन क्यों कम नहीं हो रहा है, उसके चक्कर में उन्होंने काफ़ी मतलब सीरियस होकर के बहुत सारा ट्रीटमेंट किया, बहुत सारे दवाओं को प्रेस्क्राइब किया, और 1 टाइम नहीं मुझे लगता है 3-4 टाइम्स अर्लियर आल्सो, 6 मंथ बैक 1 ईयर बैक, लेकिन अभी 1.77 मतलब मैं खुद फील कर रहा हूँ कि दैट इज कम्फर्टेबल जोन, थोड़ा सा और पीछे आ कितने दिन जाएगा हो तो गए हैं लेते हुए?
ये हो गए अभी 4 जून से ले रहे हैं, आज 24-25 है ना, 20 डेज हो गए करीब। 20 दिन हुए हैं। तो जब जी ले हाँ, रहे बीस थे दिन हो तो गए उस सर। समय बेड रिडन थे, मतलब बिस्तर पे थे, हॉस्पिटलाइज थे आपने कहा, और आज नहीं, 20 दिन। हॉस्पिटलाइज से, हाँ उसके बाद से जब वो हॉस्पिटल से वहां से डिस्चार्ज हो गए तो उसके बाद से इन्होंने लेना चालू किया था, उसके बाद से ले लेकिन रहे। वीकनेस तो था। तो अभी अभी ब्लड शुगर नहीं टेस्ट हुआ, कितना है, कितना नहीं, कितना उसका वो H1B1C हुआ था, है? इसमें तो उसका रिपोर्ट थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन वो कॉमन क्रिएटिनिन वाला ही जो रिपोर्ट है वही मैं देखा था, 1.77 है। मैं समझता हूँ ब्लड शुगर भी नीचे गिरा होगा तभी क्रिएटिनिन कम हुआ है, अदरवाइज नहीं होता। तो जी, आपकी और बात दूसरा तो, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बढ़ गया, 11.2% हो गया है। ओ क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये तो मतलब कमाल कर दिया आपने अरुण जी, हमने तो नहीं, ना आपने किया, हीमोहिम ने कमाल कर दिया। और नहीं, ठीक, हीमोग्लोबिन से भी काफी चीजों को समझ गया जी जी कि जी नहीं ये तो इफेक्ट हो, क्योंकि एकदम से 1.5% हीमोग्लोबिन बढ़ना 15 दिन में, जी ये इतना मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, सिर्फ डाइट से नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कहा अभी आपने, एज फैक्टर भी तो है, अगर ये है कि ठीक है 40-45 की एज है तो समझ में आता है, या उससे अगर बिलो है तो समझ में आता है, बट 73 की उम्र में तो बहुत डिफिकल्ट है बहुत कि एकदम से बढ़िया, 15 दिन है। बहुत बढ़िया। ये तो मतलब कमाल ही हो गया कि 73 की एज में हीमोग्लोबिन भी डेढ़ बढ़ गया, 11.25 11.5 आप बता रहे हैं। जी और सर, सबसे बड़ी चीज जो आपने मेरे साथ शेयर किया था दोपहर में, कि जो आधे किलोमीटर तक नहीं चल पाते थे वो मोटरसाइकिल लेके निकल गए, ये सच है क्या? हाँ जी हाँ, एक दिन मोटरसाइकिल निकल के लेके बैंक चले गए थे। जी और वो हीमोहिम लेने के मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर की बात है, हाँ, 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर। बहुत बहुत अच्छी जी बात है। तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया फंक्शनल फूड सप्लीमेंट नहीं है दुनिया में इस समय। और आप कोई भी इस तरीके की बीमारी है जो आपके शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर की वजह से है, उस सभी में हीमोहिम बहुत जबरदस्त रोल करता है। अच्छा अरुण जी, मैं आपके फादर साहब से जरा बात कर सकता हूँ? हाँ, बस मैं पास में बैठे हैं जी जी इस समय। नमस्कार जी हाँ बहुत बताओ। मैं जी, कैसा लग रहा है अब आपको हीमोहिम लेने के बाद? पहले से हल्कापन लग रहा है और फुर्ती अरे वाह, फुर्ती भी है शरीर में मगर। भी है, बहुत बढ़िया बहुत जी बढ़िया। और मेरे ख्याल से अब हाँ आपका ब्लड शुगर भी नॉर्मल रहता होगा, और क्रिएटिनिन, जी, पेशाब वगैरह की एक प्रॉब्लम आपको हुई कि नहीं है? 145 कितना था, 2 इंच में। हाँ 140 करीब था। 140? हाँ अरे वाह, 400 से 140 पे आ गया ग्लूकोज। हाँ जी, जी, बहुत, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2-3 महीने जरा कंटिन्यू कीजिए थोड़ा इसको, और आप और लंबे समय तक स्वस्थ रहें, शतायु हो। शुभकामना आपको कि आपने मेरे स्वास्थ्य में इस तरह से दूरगामी नहीं साहब, हाँ हमने कुछ नहीं डाला। किया, हमने एक सही प्रोडक्ट को जहां जरूरत है वहां तक पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी प्रणाम आपको, और आप अच्छा ऐसे ही हंस अच्छा रहे प्रणाम। हैं अरुण जी, बहुत अच्छा लगा। और आपने शायद एक चीज और भी बोली थी कि उनको पेशाब की जो प्रॉब्लम थी, रात में 3-4 बार उठते थे, वो भी शायद अब बंद हो गई है, ऐसा मतलब हाँ प्रॉब्लम बंद हो वो गई है, हाँ नॉर्मल 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 हो गया है, और जो यूरिन हो गया। प्रोफाइल का टेस्ट हुआ था। मुझे लगता है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम रही होगी इनको। जी हाँ, प्रोस्टेट का ही प्रॉब्लम था, क्योंकि 2 साल जी पहले बहुत ही सीरियस कंडीशन जी था। बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दोस्तों। आपने अभी सुना अरुण कुमार श्रीवास्तव जी को और उनके फादर को, जिन्होंने हीमोहिम को लिया, जिनको सालों से, आज 73 साल की उम्र है उनको, मेरे ख्याल से कई सालों से, मेरे ख्याल से 30-35 सालों से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम और डायबिटीज की प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से कई बार वो हॉस्पिटलाइज भी हुए, लेकिन आज की तारीख में वो मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं, इतना उनके अंदर स्फूर्ति आ गई। आपने सुना, उन्होंने खुद कहा कि मेरे अंदर ऐसा लगता है कि ताकत आ गई है और ताजापन रहता है, और शरीर के अंदर हल्कापन रहता है। ये सब चीजें जो है संभव है तो सिर्फ हीमोहिम से। अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ इम्पोर्टेंट धन्यवाद सर, धन्यवाद। को
शेयर किया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।